हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंधेरी मार्केट का लेटेस्ट कलेक्शन। गाइज, ये जो मार्केट है ये अंधेरी वेस्ट में आती है एंड स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है एंड काफ़ी चीपेस्ट मार्केट है। तो यहाँ का जो लेटेस्ट कलेक्शन है वो आज के वीडियो में देखेंगे। उसके पहले गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अंधेरी स्टेशन। जैसे ही आप बाहर निकलोगे सबसे पहले तो ये स्टॉल दिखेगी आपको जहाँ पे कुछ जैकेट्स बेच रहे हैं। सो हम आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये फुटवेयर्स के लिए स्टॉल है और इनके यहाँ पे 150 से स्टार्टिंग है, 150 200 एंड 250 की रेंज में काफ़ी सारे फुटवेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। सो फिटवेयर्स के अलावा यहाँ पे आपको ये स्टॉल दिखेगी जहाँ पे आपको बैंगल्स, नेकलेस एंड ईयरिंग्स देखने मिलेंगे एंड काफ़ी चीपेस्ट रेट में। सो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ टॉप्स है, क्रॉप टॉप्स एंड 200 प्राइजेस की। आप कोई भी टॉप या ये वन पीस लेते हो तो आपको ये 200 में मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ लॉन्ग में आप ये वन पीस देख सकते हो, क्रॉप टॉप्स देख सकते हो एंड जीन्स है। सो जो टॉप्स की प्राइस है ये है 250 एंड ये जो वन पीस आप देख रहे हो इसकी प्राइस है 400 एंड 450 की रेंज में आपको ये ब्यूटीफुल से वन पीस देखने मिल जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे ये काफ़ी चीपेस्ट मार्केट है कंपेयर टू अदर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी काफ़ी चीपेस्ट रेट में। सो अंधेरी मार्केट में आपको बच्चों के लिए काफ़ी सारे शॉप्स देखने मिलेंगे बच्चों के कपड़ों के लिए। तो इनके यहाँ पे स्टार्टिंग है 300 से 500 की रेंज में। सो ये फिक्स प्राइस नहीं होती है, यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग करके आप प्राइस को कम कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है बच्चों के क्लोथ्स की। सो अंधेरी मार्केट में वैसे तो आपको बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए, हर एक के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे ये देख सकते हो बैग्स के लिए ये शॉप है एंड इनके यहाँ पे स्टार्टिंग है 150 से, 150 से आपको 500 की रेंज में बैग्स देखने मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो ये 250 एंड 300 की रेंज में है। गाइज, विंटर सीज़न आ चुका है तो अगर आपको जैकेट्स परचेज करनी है तो इसके लिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ देखने मिल जाएगी। मस्जिद गली के नाम से भी फेमस है अंधेरी मार्केट और इसके अलावा इसे चप्पल गली भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको फुटवेयर्स के काफ़ी सारे स्टॉल्स देखने मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंगल्स के लिए ये शॉप है एंड इनके यहाँ पे आपको कड़ास देखने मिलेंगे, बैंगल्स देखने मिलेंगे एंड जो ब्राइडल चूड़ास रहते हैं वो भी देखने मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल सा कलेक्शन है। ये चूड़ास आप देख सकते हो 250 की रेंज में है, 250 से लेके 500 की रेंज में। सो काफ़ी ब्यूटीफुल से बैंगल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अंधेरी मार्केट में आपको कुर्तीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ देखने मिलेगी। ये जो आप देख रहे हो ये 450 की रेंज में है, आपको ये पूरा सेट मिल जाता है, प्लाजो सेट है एंड ये जो आप देख रहे हो। सो गाइज, यहाँ पे जो कुर्तीज़ है ये है 250 की रेंज में। सो काफ़ी चीपेस्ट रेट है, 200 एंड 250 में आपको कुर्तीज़ देखने मिल जाती है। यहाँ पे ईयरिंग्स आप देख सकते हो, आप यहाँ पे 100 में आप 3 ईयरिंग्स ले सकते हो। सो काफ़ी ब्यूटीफुल सी ईयरिंग्स है। सो जैसे स्टेशन से आप बाहर निकल के सीधे सीधे चलते जाओगे ये मार्केट आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। दोनों मतलब रास्ते के दोनों साइड में ही आपको ऐसे शॉप्स एंड स्टॉल देखने मिल जाएंगे। ये कुर्तीज़ के लिए और एक शॉप है आप देख सकते हो और यहाँ पे 200 एंड 250 की रेंज में ही कुर्तीज़ है।
सो गाइस, जैसे कि हम जो भी शॉपिंग करते हैं वो ज़्यादा फेमस जो भी मार्केट रहती है, जैसे दादर मार्केट है, लिंकिंग मार्केट है, वहाँ से करते हैं। अंधेरी मार्केट इतनी फेमस नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे आके शॉपिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट मार्केट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मिडल में कुर्तीज़ है ये है 250 की रेंज में, एंड ये जो नीचे कुर्तीज़ है नीचे एंड ऊपर की लाइन में, ये 200 की रेंज में है। एंड काफ़ी वैरायटीज़ रहती है कुर्तीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट कलर है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है। सो इनकी शॉप में आपको कुर्तीज़ देखने मिलेगी। एंड ये जो दुपट्टाज़ है, आपको दुपट्टाज़ की वैरायटीज़ देखने मिलेगी, 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। एंड जैसे कि जो बानी का दुपट्टा मुझे अदर मार्केट में 200 और 180 में मिल रहा था, वो यहाँ पे मुझे 150 में मिल गया। सो आप कंपेयर कर सकते हो कि काफ़ी चीपेस्ट मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पे ये लॉन्ग में भी आप देख सकते हो कुर्तीज़ है, प्लाजो सेट्स है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 400 से। सो कुर्तीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है। अगर आपको भी शॉपिंग करनी है तो आप ज़रूर विज़िट दीजिए। मार्केट एवरीडे ओपन रहती है मॉर्निंग 11 से रात के 10 बजे तक। चादर सेट 400 रुपये का, गाउन लेंगे तो 350। और ये ऊपर जो लगा है उसको फर्स्ट वाला छोड़ के ये 3 पीस। सो फ्रेंड, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ है कुर्तीज़ की। सो ये हम सीधे सीधे चल रहे हैं और रास्ते के दोनों साइड में ये ऐसे शॉप्स है। यहाँ पे आपको टॉप्स के लिए, वेस्टर्न टॉप्स एंड टी शर्ट के लिए ये शॉप देखने मिलेगी। इनके यहाँ पे जीन्स है 300 की रेंज में, एंड ये जो टॉप्स आप देख रहे हो ये है 200 और 250 की रेंज में। सो टॉप्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं यहाँ पे। सो एक और ये ईयरिंग के लिए मुझे स्टॉल दिखी है, एंड इनके यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया सा ईयरिंग का कलेक्शन है 50 और 100 रुपीज़ की रेंज में। सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे फुटवेयर के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉल देखने मिलेंगे। ये एक और स्टॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लखनवी कुर्तीज़ का कलेक्शन है काफ़ी बढ़िया सा, एंड इनकी स्टार्टिंग है 1000 रुपीज़ से। और यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, फिक्स प्राइस नहीं है। सो इसके अलावा इनके यहाँ पे आपको बैग्स देखने मिलेंगे। सो ये जो शॉप का नाम है ये है अलसबा, ये एड्रेस आप देख सकते हो शॉप का। यहाँ पे ये ईयरिंग्स आप देख सकते हो, झुमकाज है काफ़ी ब्यूटीफुल से, 50 और 100 रुपीज़ की रेंज में। सो ये स्टेशन से निकल के मैं सीधे सीधे ही चलते जा रही हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो रास्ते के दोनों साइड में ही काफ़ी सारे शॉप्स है। यहाँ पे आपको ये कुर्तीज़ के लिए शॉप दिखाई देगी, एंड जैसे आप आगे आगे चलते जाओगे यहाँ पे भी एक कुर्तीज़ के लिए शॉप है। एंड जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग होती है 200 से लेके 500 की रेंज में। यहाँ पे आगे चलते ही हमें ये बच्चों के कपड़ों के लिए शॉप दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप वन पीस देख सकते हो, एंड ये टॉप्स देख सकते हो 250 की रेंज में। सो गाइज़, ये मस्जिद है, तो इसके पहले के जो भी शॉप्स है वो हमने अब तक देखे, तो इसके आगे के जो शॉप्स है वो अभी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 200 की रेंज में कुछ ब्यूटीफुल कुर्तीज़ है। बैग्स के लिए ये शॉप है 150 से लेके 500 की रेंज में। इसके अलावा यहाँ पे आपको दुपट्टास देखने मिल जाएंगे 100 रुपीज़ की रेंज में, 100, 150 और 200 की रेंज में। जीन्स है यहाँ पे 350 की रेंज में। एंड ये वाली जो बैग्स की शॉप है ये है सुरभी के बाजू में, और इनके यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा कलेक्शन है बैग्स का, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है।
150-200 से लेके 500 की रेंज में यहाँ पे आपको ये बढ़िया से बैग्स देखने मिल जाएंगे। सो देखा गाइज, आपने अंधेरी मार्केट में आपको हर एक चीज़ें मिलती है, फुटवेयर, ज्वेलरी, बैग्स एंड कुर्तीज, हर एक चीज़ आपको मिलती है काफ़ी चीपेस्ट रेट में। यहाँ पे ये सॉफ्ट टॉयज देख सकते हो आप। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है। और गाइस, अब तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन हिट करना ना भूलिए। जो भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँगी उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। सो बहुत जल्द हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।